नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में एससी एक्टी एक्ट को लेकर लगातार विरोध हो रहा, उसको शांत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश में एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा, बिन जांच के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसके एक दिन बाद ही उसके दुरुपयोग की खबर छतरपुर के मतुगुबा थाने से आई, जहां गांव के पास ठाकुर तालाब का ठेका लिए हुए हैं। जब ठाकुरों ने चोरी से मछली पकड़ने वाले लोगों को रोका तो उन्हें लक्ष्मण सिंह और भंवर सिंह के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अपराध मारुआ थाने में पंजीकृत हुआ है। इस मामले को लेकर के आरोपी पक्ष के दो लड़का आए थे, उनका कहना है कि वो मुकदमा जो है वो गलत मुकदमा कायम हो गया है। उनकी बात को संजीदगी से सुना गया है, उसकी केस जारी बुलाकर के परीक्षण किया जाएगा, जो सही है उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस तरीके की आदेश प्राप्त नहीं हुए कि जाँच उपरांत मुकदमा कायम हो? उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की चल रही हैं, उस बारे में अभी यहाँ पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। उसमें मैं अभी इस अपराध के बारे में कह सकता हूँ कि इसमें क्योंकि शिकायत प्राप्त हुई है कि गलत मुकदमा, उसके हम जाँच करेंगे। उस बारे में लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं जो एससी एसटी एक्ट का चल रहा है, तो उसमें हमारे भाई, छोटे भाई और हमारे चाचा के ऊपर हरिजन एक्ट लगाया गया है। पर कल की बात है तो तालाब में मछली का अपन रखवाली का ठेका लिए हुए हैं, तो वहाँ पर आदिवासी कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको मना किया तो उन लोगों ने अपना सामान फेंका, 100 नंबर को कॉल किया और वो सीधे थाने गए। थाने में 20 मिनट में उनकी FIR दर्ज करा दी। SI हैं जो राजेश द्विवेदी जी, उन्होंने बिना किसी पूछ जांच पड़ताल के सीधे FIR दर्ज कर दी और अब भाइयों की और इन लोगों की तलाश जारी कर दी है। क्योंकि और परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि बिना जाँच के कोई किसी पर मतलब गिरफ्तारी भी नहीं होगी और मामला दर्ज नहीं होगा, और उसके दूसरे दिन ऐसा आता है तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत में खोट दिखाई देता है, क्योंकि उसका सभी कर्मचारियों को पालन करना चाहिए था और थोड़ा समय लेके आज अच्छी तरीके से जाँच पड़ता। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, एसपी साहब क्या कहा है उन्होंने? अब ज्ञापन में हमें एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम अपने पास डायरी मंगा कर मामले की जाँच करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे।